बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहद ही शानदार दूध की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बहुत ही मैजिकल दूध रेडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ें ऐसी डालेंगे कि आपकी हेल्थ पे बहुत ही मैजिकल इफ़ेक्ट डालेंगी। आपकी बोन्स वीक है, नींद की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, इंटरनली वीकनेस महसूस करते हैं, तो ये मिल्क ज़रूर ट्राई करें जो आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके लिए ले ली हमने सबसे पहले खजूर। खजूर के बेनिफिट से कौन वाकिफ़ नहीं है। और ये ले ली हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने ले लिए हैं थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता। अच्छा, काजू बादाम और पिस्ता हमारी बोन्स के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, हमने जिसमें बादाम लिए हैं, हमने उन्हें थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो के और उन्हें पील कर लिया था। आप इस तरह से डालें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं बादाम, तो हमने इनका छिलका उतार लिया है। तो हमने 5 बादाम लिए हैं, 5 ही पिस्ता लिए हैं और 5 ही काजू लिए हैं। तो 2 कप हम बना रहे हैं ये मैजिकल मिल्क। तो आप चाहें तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंडर में डाल के क्रश भी कर सकते हैं। हम इस तरह से इसे खरल में थोड़ा क्रश कर लेंगे, थोड़ा मोटा मोटा इन्हें कूट लेंगे, ताकि वो चंक्स जब दूध में आते हैं ड्राई फ्रूट्स के तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम इसमें इसे कूट लेंगे अच्छे से, सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो हमने डाल दिए हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और इन्हें इस तरह से क्रश कर लेंगे। थोड़ी देर में ये क्रश हो जाएंगे, बिल्कुल ड्राई हैं तो अच्छे से क्रश हो जाएंगे ईजीली। और आप ये वीक में 3 से 4 बार आराम से मिल्क यूज़ कर सकते हैं। घर के बुज़ुर्गों को दें, बच्चों को दें, तो उनकी याददाश्त के लिए, उनकी बोन्स के लिए, उनकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये दूध। तो ज़रूर बना के पिएं। इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और बॉडी को हमारी ये ताकत देंगी। तो देखिए, हमने ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मोटे मोटे कूट लिए हैं। तो ये देखिए, हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 स्ट्रैंड्स केसर के। तो केसर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली जो लोग जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, इम्यूनिटी जिनकी वीक होती है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ज़ाफ़रान। तो ये 3 से 4 हमने इसमें धागे ज़ाफ़रान के भी डाल दिए हैं, जो हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो बस ये डाल के हमने इसमें भी इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ ऐसे ही क्रश कर लिया। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्रश ना करें। और अब हमने ले लिए हैं खजूरें। तो ये हमने डेट्स का मिल्क बनाना है, तो हमने 4 डेट्स ले ली हैं। तो 1 कप के लिए हमने 2 डेट्स ली हैं और ये कीमियाई खजूर हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो बस हल्का सा इन्हें हम कट करके ही डालेंगे, इनके सीड्स हम अलग कर देंगे। ये देखिए, कोई भी क्वालिटी की आप खजूर ले सकते हैं, सभी फ़ायदेमंद होती हैं। बस कोई सॉफ्ट होती हैं और थोड़ी सी कोई हार्ड होती हैं, बट फ़ायदे सबके ही होते हैं। देखिए, हमने इस तरह से इनके सीड्स अलग कर लिए हैं। अच्छा, खजूर भी हमारे वेट मैनेज करने के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो डेट्स भी सबको यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल स्वीटनेस होती है इसके अंदर, तो आप इसे डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं। तो बिना चीनी का दूध सब यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, लेडीज़ हों। अच्छा देखिए, खजूर हमने रेडी कर लिया। हमने ले लिया है 2 कप दूध। आप जितने कप रेडी कर रहे हैं उतना ले लें। बालाई हमने इसकी हटा दी है, तो ये 2 कप हमने दूध ले लिया है। तो ये ऑलरेडी बॉयल्ड दूध है 2 कप। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने गैस पे रख दिया है दूध और इसे हमने रख दिया है थोड़ा लो हीट पे, कि एकदम से इसमें बॉयल ना आ जाए। और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ये मैश की हुई खजूरें, ताकि ये अच्छे से गल जाएं। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा बस इसे तैयार होने में, इसे गाढ़ा नहीं करना है हमें दूध को, कोई कढ़ा हुआ दूध हम नहीं बना रहे हैं। सिर्फ हमें दूध में सब चीज़ें डाल के इतना पकाना है कि सारे इसमें जितने भी हमने चीज़ें डाली हैं उन सब का इसमें एक अच्छे से तासीर आ जाए। तो देखिए, हमने ड्राई फ्रूट्स और इसमें जो हमने ज़ाफ़रान डाला था वो भी इसमें डाल दिया है। तो आप भी ये दूध ज़रूर ट्राई करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं। तो ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह और खजूर सब चीज़ हमने इसमें डाली हैं, इसकी भी आपको ताकत मिलेगी और काफ़ी बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। ये काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और ये सब चीज़ें हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी
स्ट्रॉन्ग करती हैं। और अब तो विंटर्स चल रही हैं तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, स्पेशली जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सर्दियों में बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो उन्हें तो ये ज़रूर बना के देना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। अब हल्दी तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, सभी वाकिफ़ हैं, तो इसमें एक दो पिंच बस हम हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी फ़ायदेमंद होने के साथ साथ बहुत ही गर्म भी होती है। तो इस वक्त जैसे कि बहुत ज़्यादा विंटर्स चल रही हैं, हल्दी वाला दूध आप लोग ज़रूर यूज़ करें। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हल्दी भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, और साथ साथ ये अगर आपके कोई पेन वगैरह है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बॉडी पे स्वेलिंग है तो उसे भी ये कम करती है। तो बस ये हल्दी हमने इसमें डाल दी है, इसे बस सब चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे 1/4 teaspoon से भी कम इलायची पाउडर, क्योंकि कम क्वांटिटी में हम दूध बना रहे हैं तो हमने इसमें 2-3 pinch डाल दी हैं इलायची पाउडर के। अच्छा, इलायची भी इस दूध में एक अच्छा सा फ्लेवर भी देगी, एक बहुत ही खुशबूदार सी इसमें फ्रेग्रेंस भी आएगी, और साथ साथ ही हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है इलायची से। स्पेशली गले की खराश वगैरह में बहुत फ़ायदा होता है, और ब्लड प्रेशर में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो थोड़ी सी हमने इसमें इलायची भी डाली है। तो सब चीज़ें आपको इसमें थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में लिमिट से लेनी है, तो ये बहुत ही आपके लिए मज़ेदार सा और मैजिकल सा मिल्क रेडी हो जाएगा। आप इसे कोई भी नाम दें, आप इसे खजूरी दूध कहें या ड्राई फ्रूट्स का दूध कहें, बहरहाल इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और आप सबको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो बस इसे हम अच्छा सा बॉयल दे देंगे, बस बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इतना कि इसमें सब चीज़ों की तासीर अच्छे से आ जाए और खजूर वगैरह सब सॉफ्ट हो जाए, और जब ड्राई फ्रूट्स के चंक आएंगे तो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये मैजिकल मिल्क रेडी हो चुका है। ये देखिए, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, स्पेशली विंटर्स में तो गर्मा गर्म ही सर्व करें। तो इन्हें निकाल लेते हैं हम एक कप में, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब आप इसे कुछ दिन यूज़ करेंगे तब आपको इसके फ़ायदे पता चलेंगे, तो इसे ज़रूर ट्राई करें, और पसंद आने पे वीडियो को हमारी ज़रूर लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठाएं और ये मिल्क ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी, हेल्दी सी रेसिपी, आपको पसंद आई होगी। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और बॉडी को इंटरनली हेल्दी बनाने के लिए ये मैजिकल मिल्क की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। हम और भी आपके लिए ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ लेकर फिर हाजिर होंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।